हेलो एवरीवन, जय माँ काली। दिस इज द 19th वीडियो। अगर 7 नंबर किसी के चार्ट में फर्स्ट हाउस में लिखा है, व्हाट कुड बी द एनर्जी, व्हाट एग्जैक्टली द गॉड हैज सेंट दिस पर्सन विद, किसके साथ ईश्वर ने इसको, किस शक्ति के साथ है, किस टाइप की एनर्जीज के साथ इस इंसान को दुनिया में भेजा है, क्यों इनको 7 नंबर का लग्न मिला। सबसे पहले समझना है 7th हाउस काल पुरुष की कुंडली का 7 नंबर, जो बैलेंसिंग की राशि है, विच हैज कम इन टू द फर्स्ट हाउस। सो दिस पर्सन नोज हाउ टू बैलेंस, टू ब्रिंग बैलेंस इन टू द लाइफ, हाउ टू ब्रिंग बैलेंस इन टू द रिलेशंस, हाउ टू ब्रिंग बैलेंस इन टू हिज बिजनेस, बिकॉज ये ट्रेड का साइन है, बिजनेस का साइन है, क्योंकि लिब्रा बैलेंसिंग है, पार्टनरशिप है, आपकी अपनी पर्सनल इमेज है जो आप दुनिया के सामने दिखाते हो। और ये कहाँ आकर के बैठ गए, काल पुरुष कुंडली का जो फर्स्ट हाउस होता है यहाँ, इससे इसने रिप्लेस किया, मतलब अपनी ओन पर्सनैलिटी। वट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी दिस पर्सन हैज जस्ट टू ब्रिंग बैलेंस इन टू ईच एंड एवरीथिंग। इनके लाइफ में कुछ भी होने दो, दे नो हाउ टू ब्रिंग द बैलेंस। सो बैलेंसिंग इज द बिगेस्ट ट्रेट ऑफ दिस नेटिव पर्सनैलिटी। आप कहीं भी इनको लेके जाओ, ये इनको मालूम है कि इनको कैसे सिचुएशन में बैलेंस बनाना है, और इनको ये भी पता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, इनको कहाँ फायदा है और कहाँ नुकसान है। जहाँ इनको नुकसान होगा, दे विल नॉट बॉदर अबाउट इट, दे विल नॉट थिंक अबाउट इट, और ये छोड़ देंगे उस चीज़ को। बट जहाँ इनको फायदा है, इनको उस फायदे को से कैसे, मतलब कैसे उनको वो फायदा लेना है, कैसे आगे बढ़ना है, इनको ये बहुत अच्छे से आता है। दिस इज अ बेसिक पर्सनैलिटी ऑफ दिस लिब्रन असेंडेंट। राइट नाउ यू सी द 8th नंबर साइन, मतलब आपकी जो कालपुरुष की कुंडली का जो 8th हाउस है वो कहाँ आया है, यहाँ पर आया है, इनके 2nd हाउस में। 2nd हाउस इज द हाउस ऑफ कुटुंब, ठीक है, हमारे जो पूरा परिवार है, कुटुंब है, उसका हाउस है वहाँ पर 8th हाउस। तो आप ये देखोगे कि इनकी फैमिली में जो इनका कुटुंब है, दुनिया के सामने इनका कुटुंब होगा, हो सकता है ऐसा हो कि ये लोग एक हैं, इनकी इतनी बड़ी फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है, बट देर आर सम सीक्रेट्स इन देयर फैमिली विच नो वन नोज अबाउट। इनकी फैमिली बहुत सीक्रेटिव भी होगी, इनकी फैमिली में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी, इतने सीक्रेट वे से इनके अगेंस्ट भी हो सकता है प्ले हो रही हो, जो इनको खुद को ना पता हो, जो इनका कुटुंब है। कुटुंब मतलब जहाँ इनके फादर, इनकी मदर, इनके फादर के ब्रदर्स, उनकी वाइफ्स, मतलब इनके चाची वगैरह सब लोग, पूरी जो फैमिली, इनके कजिन्स, एवरीवन इज लाइक यू नो कनेक्टेड हियर। नाउ दिस इज अ साइन ऑफ योर 8th हाउस इज अ साइन ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशन। दे मे सी अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन इन टू देयर फैमिली, मे बी द ट्रांसफॉर्मेशन इज पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, इट डिपेंड्स अगेन अपॉन द प्लैनेट्स विच आर प्लेस। बट इन लोगों की लाइफ में ये लोग अपने एक जो इनका कुटुंब है उसमें एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। इनके कुटुंब का कोई, कुटुंब में कोई ना कोई मंत्र शक्ति वाला, या एस्ट्रोलॉजी में, ऑकल्ट में, एक जो होता है ना इंसान, उस तरीके का इनके फैमिली में आपको मतलब कल्चर मिलेगा, कि इनकी फैमिली में कोई ना कोई एक ऑकल्ट फील्ड से एक रिलेशन रखने वाला, या एक ऑकल्ट फील्ड के साथ कनेक्टेड मिलेगा ही मिलेगा इनकी फैमिली में। दूसरा क्या है, इनकी जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी है वो कैसी होगी, डिस्प्यूटेड होगी। 8 नंबर का साइन इज नॉट कंसीडर्ड एज अ वेरी गुड साइन व्हेन इट इज कमिंग ऑन द 2nd हाउस फॉर द एंसेस्टर प्रॉपर्टी, इट इज नॉट वेरी गुड। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम दोष से रिलेटेड, या जिस प्रॉपर्टी में इनका कुटुंब रहता होगा उस प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ हिडन, या कुछ मिस्टीरियस, या कुछ ऑकल्ट से रिलेटेड कुछ ऐसा उस जमीन में होगा जिस जमीन में ये रह रहे थे। क्योंकि 2nd हाउस इज द हाउस ऑफ पृथ्वी तत्व, वहाँ पृथ्वी है, 2 नंबर की राशि आती है काल पुरुष कुंडली की, तो वो वहाँ पृथ्वी तत्व की राशि है। तो जिस जमीन पर इनका कुटुंब रह रहा होगा वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होगा, एंड विच विल विच कैन बी अ और विच मे बी अ रीजन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन इन टू द फैमिली, और कुछ उस टाइप की एनर्जीज भी इनकी फैमिली में देखने को मिलेंगे। दिस इज द एनर्जी। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हिज पर्सनल वेल्थ ऑफ दिस पर्सन, इनकी पर्सनल वेल्थ भी आप देखोगे ना, दे आर नॉट गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ फ्रॉम देयर एंसेस्टर प्रॉपर्टीज इजीली। इनको अपने एंसेस्टर से बहुत ज्यादा, या इनके पिता की जो प्रॉपर्टी होती है, या दादा बाबा की, उन प्रॉपर्टी से बहुत ज्यादा कुछ हासिल नहीं होने वाला है। दे हैव टू ब्रिंग एवरीथिंग
ऑन देयर ओन, बिकॉज बैलेंसिंग में बहुत अच्छे हैं, तो इनको पता है इनको लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, तो इनको पता है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा इनके 12th हाउस में चला गया, तो दे आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन द कोर्ट केसेस, प्रॉपर्टी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए. तो इन लोगों की लाइफ में ऐसा नहीं होता है कि लोग किसी चीज़ के लिए लड़े, अपने आप ही जो अपने बलबूते से बनाते हैं वो बनाते हैं. लेकिन यस, इन लोगों की लाइफ में ये लोग प्रॉपर्टी, पैसा अच्छा बना लेते हैं, और किस तरीके से बनाते हैं वो एक कहते हैं ना, एक इनको खुद को भी नहीं पता है कि हाउ दे हैव रिसीव दोज थिंग्स इन टू देयर लाइफ, हाउ दे हैव मैनिफेस्टेड. मे बी देर आर फ्यू थिंग्स ऑलरेडी, बैलेंस बनाना इनको आता है, बट देर आर मे बी समथिंग, सम ब्लेसिंग्स इन देयर फैमिली थ्रू देयर एंसेस्टर्स, तो वहाँ से इनको उनकी फैमिली में, इनके पास वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, पैसा इकट्ठा कर पाते हैं ये लोग बहुत अच्छे से, क्योंकि इनके जो राशि है ना, ये किसके 7 नंबर, वीनस की राशि है, यहाँ शनि देव, अगर इनके कर्मास बहुत अच्छे हैं ना, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ मनी, दे विल हैव अ गुड अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ इन देयर लाइफ. व्हेन वी आर सीइंग देयर थर्ड हाउस, थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ देयर सिब्लिंग्स, मतलब इनके छोटे बहन भाइयों का हाउस है. 9th नंबर का जो है हाउस यहाँ चला गया है, ये पराक्रम भाव है, इनके फादर बहुत पराक्रमी रहे होंगे, मतलब आप देखोगे ना, लिब्रा सेंडेंट वालों के फादर बहुत ज्यादा हमेशा अपना काम में लगे रहना, अपने ही हाथों पर भरोसा रखना, उस टाइप के होंगे. इनसे इनके जो छोटे बहन भाई होंगे, उन लोगों का बिहेवियर पैटर्न किस तरीके का होगा, गुरु जैसा, मतलब उम्र में चाहे वो छोटे होंगे लेकिन बात वो बहुत बड़ी बड़ी करेंगे, क्योंकि फादर का हाउस है, मेंटोर्स का हाउस है, रिलीजियस हाउस है वो हमारा, जो हमारे रिलीजन बताता है. तो ये लोग थोड़े से ना स्पिरिचुअल भी होंगे, इनके जो सिबलिंग्स हैं, इनके फादर को घूमने फिरने का, शॉर्ट ट्रैवल्स का, स्पेशली तीर्थ यात्रा, मंदिर जाने का, इस तरीके की चीज़ों का भी बहुत शौक रहेगा. इन लोगों के घर के पास में, इनके पड़ोस में मंदिर भी हो सकता है, इनके पड़ोस में हो सकता है जो रहता हो बहुत स्पिरिचुअल फैमिली रहती हो, या फिर प्रीस्ट होते हैं, उस टाइप की भी एनर्जीज है यहाँ पर, उस टाइप की भी चीजें आपको दिख सकती हैं लिब्रा सेंडेंट के भी, कि बाजू में कोई पंडित रहता हो, कोई प्रीस्ट रहता हो, मंदिर हो, इस तरीके की चीजें दिख रही हैं. इनके जो बहन भाई होंगे, जो भी छोटे होंगे, वो लोग भी ना बात करने में, उनकी जो बातें होंगी, बात बात में ना ईश्वर का नाम लेना या फिर कुछ इस तरीके का गाइडेंस देना, फिलोसफिकल जो बातें होती है उस तरीके की चीजें दिखेंगी. इन लोगों के खुद के भी जो पैटर्न होंगे वो कैसे होंगे, धर्म कर्म के काम करने में हमेशा इनके हाथ आगे रहेंगे, हमेशा कभी मंदिर के लिए कुछ करना है, कोई डोनेशन लेने आया या मंदिर के लिए कुछ भी करने का, इन लोगों को अगर चांस मिल जाता है या अपने धर्म के लिए कुछ करने का चांस मिल जाता है, तो ये लोग हमेशा करने के लिए रेडी रहते हैं. ये लोग फादर की बोलते हैं ना, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाने में, गुरुज की रेस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने के लिए इन लोगों को लगता है दैट इज देयर ड्यूटी, उनका जो परम कर्तव्य है वो, इन लोगों का अपने फादर का ध्यान रखना, अपने गुरु का ध्यान रखना, इस तरीके का इन लोगों का बिहेवियर पैटर्न होता है, वैसा भावनाएं रहती है इन लोगों की लिब्रा असेंडेंट की. नाउ व्हेन वी आर सीइंग द 10th साइन इन द 4th हाउस, ये काल पुरुष कुंडली का 10वां घर है जो इनके 4th हाउस में आया, विच इज डिपिक्टिंग, बिकॉज देखो जो मकर राशि होती है ना, मकर राशि बहुत ऊपर नीचे है, स्ट्रगल है, तो कैप्रिकॉन वालों की लाइफ में हमेशा स्ट्रगल रहता है, बहुत स्ट्रगल से उनको कोई चीज मिलती है. अब ये जो कैप्रिकॉन साइन है, इट हैज कम इन द मदर्स हाउस, इनकी माँ के हाउस में आ गया, इट मींस इनकी मदर की लाइफ वॉज और इज मे बी फुल ऑफ स्ट्रगल, उनकी मदर की लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, बट शी इज वेरी लेबोरियस, शी इज वेरी कहते हैं ना टॉलरेंट, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा सहने की शक्ति है, क्षमता है, जैसे पृथ्वी माता में सहने की क्षमता होती है, उसी तरीके से इनकी मदर्स में रहती है, इनकी मदर सेल्फ मेड पर्सन होते हैं, वो अपने कर्म पर भरोसा रखते हैं और तब आगे बढ़ते हैं. इनके जो घर का जो माहौल है ना, वो किस तरीके का होता है, जहाँ इन लोगों को मेहनत करना सिखाया जाता है कि यू हैव टू वर्क हार्ड, यू आर नॉट सपोज टू बी यू नो टेकन और एक्सपेक्टिंग अदर्स प्रॉपर्टी या शेयर फ्रॉम द प्रॉपर्टी, यू हैव टू वर्क हार्ड, ये इनकी मदर्स इनको, मतलब इस असेंडेंट वाले की मदर्स इन लोगों को सिखाती ही सिखाते हैं कि आपको इस तरीके की अपने अंदर हैबिट डेवलप करनी है, कि आपको कहीं किसी से लेना नहीं है, किसी भी एंसेस्टर प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, खुद सेल्फ मेड बनना है, इसलिए लोग सेल्फ मेड भी होते हैं. और देखो 8th साइन यहाँ पर बैठा भी है इनके कुटुंब के स्थान पर, तो वहां भी प्रॉब्लम है, दैट इज द रीजन इनकी मदर्स की लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल होता है,
और वो उसी तरीके से इन लोगों की नर्चरिंग करते हैं, अपब्रिंगिंग करते हैं। नाउ जब भी हम इनके देखते हैं ना, इनके सुख की बात करते हैं, इस इनिशियल स्टेज जब होती है इनकी लाइफ की, तब इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है, और जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे सुख सुविधा, घर, गाड़ी, बंगला, एवरीथिंग दे कैन एक्यूमुलेट इन देयर लाइफ। नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द फिफ्थ साइन, फिफ्थ हाउस, फिफ्थ इन द फिफ्थ हाउस विच साइन हैज कम, कालपुरुष कुंडली का 11th हाउस हैज कम इन द फिफ्थ साइन। इसका मतलब क्या है? जैसे ही लिब्रा असेंडेंट वालों की लाइफ में उनके बच्चे एंटर करते हैं, जैसे ही उनके बच्चे होते हैं उसके बाद से उनके विश फुलफिलमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, उनको गेन्स होना स्टार्ट हो जाता है। इनके बच्चों की भी आप हैबिट देखो, इनके बच्चों को भी एक अपने फ्रेंड सर्कल में बोस्टिंग करने की हैबिट देखोगे आप, उनको बोस्टिंग करने की आदत है, ये बताने की आदत है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। वाई? बिकॉज इनके जो बच्चे होते हैं ना फिफ्थ हाउस लिब्रा असेंडेंट के, वहां पे गेन्स का साइन आके बैठा है, 11th है। 11th साइन इज टॉकिंग अबाउट द हाई इंस्टीट्यूशंस, हाई रिकॉग्निशन सोसाइटी में, उस तरीके की चीजें दिखाते हैं, गेन्स दिखाते हैं, डिजायर फुलफिलमेंट दिखाते हैं। तो इनके इनके बच्चों को, बिकॉज ये बहुत मेहनत से बने हैं, इनको पता है, तो इनको पता है कि जितनी मेहनत हमने करके, इतना स्ट्रगल करके हम यहाँ तक आए हैं, हमारे बच्चों को उतना स्ट्रगल नहीं करने देना चाहिए। दैट्स द रीजन दैट चिल्ड्रन आर गेटिंग एवरीथिंग इन अ वेरी इजी मैनर, उनको जल्दी से मिल जाती है। उसके बाद आप देखोगे दूसरा एक ये भी है, इनका फिफ्थ हाउस में क्योंकि गेन्स की राशि बैठी है, तो इन लोगों को ना स्टॉक मार्केट में बहुत गेन्स होते हैं। अगर ये लोग स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं, तो रीजन है मैं बताऊंगी जब हम लोग 8th हाउस करेंगे, इन लोगों को स्टॉक मार्केट में बहुत गेन्स हो जाते हैं। अगर इन लोगों को चांस मिलता है, अगर आप लोगों का इंक्लिनेशन है, तो आप लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट फेवरेबल होता है लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए। राइट? नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सिक्स्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस में 12 नंबर की राशि आई है, इट मींस इट इज टॉकिंग अबाउट लॉसेस। 12 नंबर लॉसेस का है, ये है रोगों का, ऋण का, शत्रु का। इन लोगों की लाइफ में कोई भी बीमारियां आती हैं, जल्दी लॉस, कर्जा लिया जल्दी निकाल दिया, एनिमीज बने जल्दी निकल गए, हर चीज के लॉस का जो साइन है ना वो रोग ऋण शत्रु में आ गया। इन लोगों के यहाँ एक चीज और होती है, अगर ये साइन अफेक्शन में होता है, जो डेली वेजेस वाले जो लोग होते हैं ना, जैसे हम जॉब पर रखते हैं अपने स्टाफ को रखते हैं, उन लोगों का टिकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इन लोगों को ना जल्दी से चीट करके चले जाते हैं। बिकॉज ये जो हाउस है ना, 12th हाउस जो हमारे कालपुरुष कुंडली का होता है, वो होता है आपके अननोन शत्रुओं का। ये एनिमीज ऐसे हैं जो आपको दिखते हैं, ये शत्रु 12th हाउस वाले ऐसे शत्रु होते हैं, वो भी शत्रु भाव है, लेकिन वो ऐसे शत्रु होते हैं जो दुनिया को तो पता ही, या फिर हमको हमको हमारे अपने दिखते हैं, लेकिन हम हमारे सामने वो रिवील नहीं हो पाता है कि ये हमारे शत्रु, जो हमको हमारे अपने लगते हैं, वो हमारा लॉसेस करा देते हैं। और वो साइन इनका यहाँ आया है, तो उनका लॉसेस, उनके लॉस दिख रहे हैं, कि मतलब बहुत जल्दी आफ्टर अ सर्टेन टाइम दे विल बिलीव ऑन दैट पीपल ब्लाइंडली इन सम पीपल एट दर वर्क प्लेस, बट वो लोग उनके ऊपर ना ट्रस्ट बहुत उन्होंने कर लिया, बट वो लोग उनको डिच करेंगे, ये चीज इनको जल्दी पता चल जाती है, रिवील हो जाती है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन इन लोगों की लाइफ में इनके जो ह्यूमन रिसोर्स होता है, जो इनके यहाँ काम कर रहे होते हैं इनके अंडर लोग, वो लोग इनके लॉसेस का रीजन भी बन सकते हैं, इनके लॉसेस, इनके को जो लॉस होगा उसका कारण भी बन सकते हैं, बिकॉज लॉस वाला साइन सिक्स हाउस में आ गया है। टॉप ऑफ दैट, हाँ, इन लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जब होते हैं ना, अगर उनका सिक्स हाउस उस टाइम में एक्टिवेशन में है, तो वहाँ इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। इन्होंने बहुत मेहनत की है, पढ़ाया, बहुत प्रिपेयर किया, बट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे हैव नॉट एक्सेल इन दैट वे, द वे दे शुड अकॉर्डिंग टू देयर हार्ड वर्क, वो चीज़ इन लोगों के लाइफ में रहती है। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेवेंथ हाउस, कालपुरुष कुंडी का फर्स्ट हाउस आया है। फर्स्ट हाउस इज अ हाउस वेयर आर ओवरऑल पर्सनैलिटी एग्जिस्ट, तो इनका जो स्पाउस होता है ना, ये अपने स्पाउस को ठीक उसी तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं दुनिया के सामने से, जिस तरीके की इनकी खुद की एक पर्सनैलिटी है। अगर उस तरीके से नहीं हो पाता इनका स्पाउस दुनिया के सामने प्रेजेंट, तो इन लोगों को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, थोड़ा सा एग्रेशन आ जाता है, और बहुत क्विकली रिएक्ट कर देते हैं। जहाँ बिजनेस की बात होती है, बिजनेस में भी ये लोग बहुत क्विक डिसीजंस ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए एक छोटी सी हिदायत बोल दो, या फिर एक सोच समझ के एक्ट करने के लिए एक सलाह है ये, कि जब व्हेन एवर यू आर ट्राइंग टू
invest in your business. Maybe you are finding everything is very good. Your plan is successful, is going to be successful. Many people had gone through this plan and they got a great success. But in your case, because your first sign is sitting here, you might be missing something. You have to recheck your plan, because ये hastiness का sign है, मतलब जल्दबाजी का sign है, short tempered का sign है. जल्दबाजी में ना मतलब पार्टनरशिप करनी है और ना ही पार्टनरशिप तोड़नी है. अपने स्पाउस के लिए भी आपको थोड़ा सा कहते हैं ना लीनियंट रहना है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है अपनी लाइफ में. सेकेंडली, सेवेंथ हाउस इज द हाउस ऑफ योर इमेज विच यू आर प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड. तो यहाँ पर जब भी आप अपनी प्रेजेंट करते हो अपनी पर्सनैलिटी, तो सबसे ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना सेल्फ इमेज कॉन्शियस होते हो. तो वहाँ यहाँ दिखता है कि इन लोगों का जो मैक्सिमम ध्यान है कि उनको ये दिखता है कि हम दुनिया के सामने कैसे दिख रहे हैं, लोग हमको किस तरीके से ले रहे हैं. ये इस तरह की एनर्जीज इनके चार्ट में होती है. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एट्थ हाउस, एट्थ हाउस में कौन सा साइन आकर बैठा है? काल पुरुष कुंडली का सेकेंड हाउस. सेकेंड हाउस इज रिफ्लेक्टिंग योर वेल्थ. यहाँ पर ये वाली जो वेल्थ है, दिस इज अ अनअर्नड वेल्थ. जो आपने कमाया नहीं है वो पैसा भी आपका एट हाउस दिखाता है. अब जैसे मैंने बताया था कि स्टॉक मार्केट में अगर ये लोग पैसा लगाते हैं या ये लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो इनको ये अनअर्नड इनकम है. जो स्टॉक मार्केट से हमको इनकम मिलती है उसका हाउस है. तो गेन्स इनको यहाँ पर शनि, इलेवेंथ नंबर शनि वीनस. जब शनि और वीनस दोनों ने फिफ्थ और एट्थ पकड़ा हुआ है हाउस, तो यहाँ पर इनको गेन्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. इनको इनकी देखो एंसेस्टर्स की जो प्रॉपर्टी है ना, सेकंड हाउस जो हमारा एट्थ हाउस हमारे एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी होता है, हमारी इनहेरिटेंस होती है, वो इनहेरिटेंस वाला साइन यहाँ का बैठा है. और यहाँ जो आठ नंबर होता है वो जाकर के इनके सेकेंड हाउस में बैठ गया. तो डेफिनेटली प्रॉब्लम इनको अपनी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी लेने में तो रहेगी ही रहेगी. इसमें कोई वो नहीं है, मतलब सेकेंड ओपिनियन नहीं है कि दे विल फाइंड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. बट क्योंकि इनका देखो लिटिगेशन का साइन भी यहाँ बैठा है, ये लोग पता है कैसा है, ये लोग लड़ेंगे नहीं अपनी प्रॉपर्टी के लिए, अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे. इसके लिए इनको जो अपनी इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी है उसको लेने में प्रॉब्लम रहेगी या परेशानी होगी. लेकिन कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ब्लेसिंग्स इनकी लाइफ में आएगी, जिसकी वजह से दे विल एक्यूमुलेट अ लॉट इन देयर लाइफ. अनअर्नड इनकम जो इन्होंने अर्न नहीं की है, वो इनकम भी कहीं ना कहीं से किसी भी ना किसी रूप में इनको मिल जाएगी. नाउ वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नाइन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस में तीन नंबर काल पुरुष कुंडली का थर्ड हाउस हैज कम इन टू द नाइन्थ हाउस. इट इज शोइंग लाइक हिज और हर फादर, इज नेटिव फादर इज वेरी वी कैन से इट्स वेरी टॉकेटिव ऑल्सो. उनको कम्युनिकेशन जब भी वो करते हैं लोगों के साथ, तो दे माइट बी टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल थिंग्स, स्पिरिचुअलिटी पे बात करना, अच्छी बातें करना, उनको घूमना फिरना, मंदिरों में जाना, मंदिरों में सेवा करना, या फिर किसी धार्मिक स्थल पर बहुत जल्दी जल्दी एवरी मंथ जाने की जो टेंडेंसी होती है, चाहत होती है, या इस तरीके का वो प्लान कर लेते हैं कि मुझे एक रूटीन बना लेते हैं, उस तरीके की चीज़ें इनकी फादर की लाइफ में दिख रहे हैं. इनकी इनके फादर में और इनके छोटे जो भाई बहन है, सिबलिंग्स हैं, उनके उन दोनों के बीच की बॉन्डिंग बहुत अच्छी दिख रही है. मतलब ये एनर्जी है इस चार्ट की, बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी. ऑल्दो इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, इनको लगता है इट्स माई रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स माई फादर, टूवर्ड्स माई गुरुज, बट जो एक बॉन्डिंग होती है वो छोटे वाले से, सिबलिंग से ज़्यादा पेरेंट की, इनके फादर की रहने के चांसेस हाई हैं. यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जब भी थर्ड साइन पराक्रम का भाव यहाँ पर नाइन्थ हाउस में आ गया, तो वो ये भी बताता है कि इनके फादर का जो पराक्रम है, मे बी इट इज़ टुवर्ड्स लाइक यू नो काइंड ऑफ हम लोग बोलते हैं जो एक प्रीस्ट का काम होता है, इनके फादर हो सकता है प्रीस्ट के काम में भी हो, क्योंकि ये पराक्रम भाव है. तो इनके फादर का पराक्रम, इनके फादर का काम ऐसा भी हो सकता है कि किसी मंदिर की सेवा करना, किसी मंदिर के ट्रस्टी होना, वहाँ से इनकम आना, उस तरीके की चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं इन लोगों के चार्ट में. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्थ साइन विच हैज़ गॉन इन द टेंथ हाउस. फोर्थ साइन जो है ये हमारी काल पुरुष कुंडली का फोर्थ हाउस है, जो इनके टेंथ हाउस में चला गया. अब आप देखोगे कि ये लोग अपने वर्क प्लेस पर बहुत इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं. वर्क प्लेस पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं,
ये एक मदरली फिगर की तरह वहां पर, चाहे ये मेल हो चाहे ये फीमेल हो, उस तरीके का एक इमोशनल बॉन्ड ये क्रिएट कर लेते हैं वहां के लोगों के साथ। दूसरों के दुख से खुद दुखी होना, परेशान होना, लोगों की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना, उनकी उनकी हेल्प करना, उस टाइप की टेंडेंसीज इसमें आपको नेटिव में देखने को मिलेगी। प्लस ये जैसे मैंने बताया था, वर्क को ये घर में ले आते हैं, उसी तरीके से घर को ये वर्क प्लेस पे ले जाते हैं। मतलब वर्क प्लेस को अपना घर समझते हैं, अपना समझते हैं, इमोशनली बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं, अपना समझ के काम करते हैं, चाहे वो बॉस हो, चाहे इनके कलीग्स हों, चाहे इनके सबॉर्डिनेट्स हों, उनके अंदर काम करने वाले हों, बट ही कैन क्रिएट ईजीली अ बॉन्ड अलॉन्ग विद दैम, और वहाँ के लोग भी इनसे बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। दिस इज अ साइन एंड दे आर दे मतलब दिस काइंड ऑफ पीपल कैन फाइंड अ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट एट द वर्क प्लेस। जब भी काम करेंगे तो उनको बहुत हार्श एनवायरनमेंट में वो काम नहीं कर सकते, अपना 100% जो देना है, अगर उनके लिए बहुत कंफर्टेबल एनवायरनमेंट इनके वर्क प्लेस पर हो तो ये बहुत अच्छे से अपना मतलब बोलते हैं ना, उनका आउटपुट बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, बहुत अच्छे से रिजल्ट दे सकते हैं वहाँ पर अपना। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फिफ्थ हाउस, इन द फिफ्थ हाउस द सॉरी इन द 11th हाउस फिफ्थ हाउस हैज गॉन। काल पुरुष कुंडली का फिफ्थ हाउस इनके 11th हाउस में जाता है। फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ योर फ्यूचर प्लानिंग, आपका फ्यूचर प्लानिंग का ये हाउस है, ये उठ करके इनके इसमें आ गया। ये लोग जिस तरीके से प्लान करते हैं, फ्यूचर प्लान करते हैं, अपने प्लानिंग्स बनाते हैं, कैसे ये चीज़ इस टाइम पे ऐसे होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, और वो हर एक चीज़ उसी तरीके से हो जाती है इन, क्योंकि ये विश फुलफिलमेंट का हाउस है, गेम्स का हाउस है, वेयर दे आर। अभी यहाँ पर आप एक चीज़ और देखो, फिफ्थ हाउस ये जो है यहाँ का हाउस, यहाँ क्योंकि देखो सम सब तक है ये पूरा, क्योंकि 7 नंबर है ना, हर एक चीज अपने से सातवीं है इस पूरे चार्ट में, तो सम सब तक है। जब स्टॉक मार्केट का जो साइन है हाउस है, फिफ्थ हाउस उठ के 11th में आया, 11th यहाँ आया, अगेन इट इज शोइंग दिस नेटिव विल गेट अ लॉट ऑफ गेन्स थ्रू द चिल्ड्रन, थ्रू द आफ्टर द बर्थ ऑफ द चिल्ड्रन एंड थ्रू द स्टॉक मार्केट एज वेल, थ्रू द मंत्र शक्ति ऑल्सो, इफ दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गेट अ स्पिरिचुअल सक्सेस, अ स्पिरिचुअल यू नो अपलिफ्टमेंट इन हिज लाइफ और हर लाइफ, तो इट इज़ वेरी इजी फॉर दिस पर्सन टू गेट अ गेन आउट ऑफ मंत्र चैंटिंग। तो यहाँ पर प्लस इन लोगों का एक चीज़ में 5 नंबर, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड सर्कल का भी हाउस है, ये वहाँ पर आया है, तो ये लोग फ्रेंडशिप भी अपने से ऊपर वाले लोगों में करना पसंद करेंगे, अच्छा एक जो क्लास होता है उसमें करेंगे, बट स्टिल ये किसी से भी फ्रेंडशिप कर लें, बट एवरीवेयर दे वांट टू बी ऑन द टॉप, चाहे कितने भी, क्योंकि छोटे क्लास से जल्दी से ये लोग फ्रेंडशिप नहीं करेंगे, बट जिससे भी फ्रेंडशिप करेंगे उनमें भी ये टॉप पर रहना पसंद करेंगे, बिकॉज फिफ्थ नंबर साइन लियो साइन हैज कम ओवर हियर, सन्स एनर्जी इज देयर। अगर यहाँ पर सन बैठा है तो 100% ऐसा ही होगा, बिकॉज दे कैन नॉट टॉलरेट कि इनके ऊपर कोई हो या इनको कोई सप्रेस करे, बिकॉज लियो लियो इज अ किंग, सन इज अ किंग, सोल है, फादरली फिगर है, और ये हमेशा अपने फ्रेंड्स की मदद के लिए तैयार भी रहेंगे, बिकॉज इट इज अ फादर, द साइन ऑफ फादर, 5 नंबर लियो साइन सूर्य फादर है, ठीक है, तो वो एक फादर फिगर की तरह अपने फ्रेंड सर्कल को केटर करेंगे। तो इस तरीके से एनर्जीज इनके 11th हाउस में है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द 6th राशि, मीन 6th हाउस ऑफ काल पुरुष हैज गॉन इन द 12th हाउस, 12th हाउस में इनके 6 नंबर गया, जो ये बता रहा है कि ये लोग ज्यादा दोस्त मतलब अपने दोस्तों, ये जो होता है ना, ये लोग ज्यादा दुश्मनी किसी से रख नहीं सकते हैं, कोर्ट केस के चक्कर में इनको फंसना नहीं है, छूट रहा है ना छूट जाए, प्रॉपर्टी छूट रही है छूट जाए, ये हो रहा है हो जाए, लेकिन दे डोंट वांट टू गो इनटू द कोर्ट केसेस, क्योंकि 6 नंबर का जो साइन है वो लिटिगेशन का है, लॉसेस का है, बट इफ दे विल गो देन ऑल्सो इट इज शोइंग वेरी क्लियरली इट इज दे ही इज गोइंग टू और शी इज गोइंग टू लॉस इन दैट केस, बेटर नॉट टू गो, क्योंकि लॉस का साइन इनके 6th हाउस में भी आया, 6th हाउस यहाँ गए, एज आई टोल्ड यू इट इज अ सम सप्तक लगना, तो अपने आप से सातवा है सब कुछ, तो अगर इन लोगों को अपनी लाइफ में पीस चाहिए, मेंटल पीस चाहिए, शांति चाहिए, लॉसेस नहीं चाहिए, तो बेटर टू लीव, और ये लोग करते भी ऐसे, ये कोर्ट केसेस में जल्दी से पढ़ना बढ़ना चाहते नहीं है, कोशिश नहीं करते हैं, और पढ़ना भी नहीं चाहिए। दूसरा ये बीमारी का साइन है और ये हॉस्पिटलाइजेशन का हाउस भी है, तो यहाँ पर क्या है, बहुत अच्छा एक
रेमेडी वी कैन से, अगर ये लोग डोनेशन करते, बिकॉज इट्स अ हाउस ऑफ डोनेशन, अगर ये लोग दवाइयों की डोनेशन करना स्टार्ट कर देते हैं या किसी भी तरीके की डोनेशन, ब्लड डोनेट करना, दवाइयाँ डोनेट करना, जो हॉस्पिटल से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो इन लोगों को ना, इन लोगों का ये हाउस ना एक्टिव पॉजिटिव उसमें रहेगा, इन लोगों को बीमारियों से ईजिली छुटकारा मिल जाएगा। और लॉसेस का हाउस है ना, 6 नंबर बीमारियां, इन लोगों को बीमारियां रहेंगी नहीं, बट दे हैव टू एक्टिवेट दिस हाउस इन अ पॉजिटिव मैनर बाई डोनेटिंग द मेडिसिन, बाई डोनेटिंग द इक्विपमेंट्स इन द हॉस्पिटल, नॉट इन द बिग हॉस्पिटल्स वेयर द हॉस्पिटल्स आर नीडेड फॉर टू सर्व द जनरल पब्लिक। ऐसी जगह जा करके जो ज़रूरत का सामान है, एक्सरे मशीन्स वगैरह हैं, वो सब उनको डोनेट करनी चाहिए, बिकॉज इनका जो मंगल है ना, मंगल इज सिटिंग इन अ मारक भाव, 7th हाउस एंड 2nd हाउस इज अ मारक भाव। तो अगर ये कोई, अगर इनको कोई हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर ये इसका दान करते हैं ना, मशीनरी इसका दान करते हैं हॉस्पिटल्स में जा करके, तो दैट वुड बी वेरी गुड फॉर देम। तो ये हमने डिस्कस किया तुला लग्न की चार्ट के लिए, तुला लग्न का जो नेटिव है उसको किस तरीके की एनर्जीज अट्रैक्ट करती है उनके चार्ट में, और जो फाइनल प्रिडिक्शन है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अ कोर्स ऑन एस्ट्रोलॉजी इन द मंथ ऑफ अप्रैल इटसेल्फ, एंड इफ यू आर ईगर टू ज्वाइन द कोर्स, यू कैन ज्वाइन द एग्जिस्टिंग बैच, और एज आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बैच इन कमिंग 1 or 2 months, यू कैन ज्वाइन मी। जय माकाली।